त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टि वर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम। आप सभी भाई बहनों को 5 दिवसीय योग शिविर में मैं डॉक्टर ब्रिजमोहन योग प्रचारक पतंजलि योग पीठ हरिद्वार आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर का पूरे हिंदुस्तान के एक एक गांव में अभियान चल रहा है। ऐसे क्रांतिकारी अभियान में हम सभी अपने पुरखों के, अपने बाप दादों के, अपने पूर्वजों के, अपने ऋषि मुनियों के इस विराट विरासत को बचाने का संकल्प लेकर के अपने जीवन में उतारने का सहज अभ्यास शुरू कर रहे हैं। तो आइए आज मैं आपको प्राणायाम के इस कड़ी में कपाल भाति का अभ्यास, उसकी विधि, उसका टाइमिंग क्या है, उसका लाभ क्या होगा और सावधानियां क्या होंगी, इन सब सारे चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हुए आप सबको मैं कपाल भाति का अभ्यास करवाने का प्रयास करूंगा। तो आइए ध्यान मुद्रा में बैठते हैं, आंखें बंद, मन शांत, मेरुदंड बिल्कुल सीधा। धीरे धीरे एक दो बार सांस लेंगे और छोड़ेंगे, मन को केंद्रित करेंगे एक जगह और झटके से विगात्मक रूप में 1 सेकंड में एक बार नाक से यानी नासिका से सांस को, प्राणवायु को, प्राण बाहर करेंगे। पूरा वेग से सांस बाहर फेंकते हैं और पेट का जो इलाका है ना वो अंदर जाता है। तो आइए इसका अभ्यास करते हैं 5 मिनट ध्यान मग्न होकर के। 5 मिनट तक कोई अपने आंखों नहीं खोलेंगे। प्राण देवता पर, प्राण शक्ति पर अभ्यास ध्यान से जा करके करिए। कपाल भाति का अभ्यास जिनको पेट का ऑपरेशन हुआ हो, जिनको हार्ट का ऑपरेशन हुआ हो वो नहीं करेंगे, जिनको माइग्रेन माथा में तेज दर्द हो वो कपाल भाति तेजी से नहीं करेंगे। माताओं बहनों को गर्भावस्था में एवं पीरियड्स के दौरान इस अभ्यास को नहीं करना है। करते जाइए, लगाइए ध्यान को। ये तो 5 मिनट के बाद 6वें मिनट से प्रारंभ होता है। 5 मिनट तो मन को रोकने में, मन को एकाग्र करने में, मन को समझाने में लग जाता है। बार बार किसी का मन यदि विचलित होगा तो एक वेद का मंत्र है, परते ही मन पापः किं संस्थाने संस्कृति, अरे मन के पाप तुम दूर हो जा, तेरा स्थान मेरे हृदय में, मेरे मस्तिष्क में नहीं है। तो मेरे जीवन को बर्बाद करता है, तो मेरे सारे इंद्रियों को नष्ट करते हो, मैं तेरे संग नहीं रहना चाहता। तुम दुराचारी हो, तुम पापी हो, तुम अपने पाप और दुराचार के षड्यंत्र में, चक्रव्यूह में मेरे जैसे भले इंसान को फंसाते हो और तेरे कहने में आकर के मेरी इंद्रियां वैसा कर्म कर देती हैं और फिर कर्म फल सिद्धांत के अनुसार उस कर्म को, उसके फल को जीवन भर भोगते रहते हैं। इसलिए आज कपाल भाति का अभ्यास, ऐसा जब अभ्यास करेंगे तो शुगर का बीमारी, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, हार्ट हृदय संबंधी बीमारी,